morning, guys. Good morning, guys. वेलकम बैक टू माई चैनल पुआ कंडट कट लड्डू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे लड्डू बहुत अच्छा है। आज धूप निकली हुई है गाइस, देखिए कितनी मस्त मस्त नहीं बोलेंगे, सॉरी गाइस, हल्की है और हवा चल रही है। आज धूप हल्की हल्की अब निकलना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे करा जो जो शैतानी कर रहा है। जो जो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे आपको थोड़ी देर में आज़ाद करेंगे गाइस। इसको खोल देते हैं तो ये झाड़ू पोछा नहीं करने देता, ये पोछों को बार बार पकड़ता है। और हम जो जो को थोड़ी देर में खोलते हैं। कल इसने नहा लिया, कितना वाल साइन कर रहा है इसका। इसको मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ बिल्कुल जो जो को अपने, और इसके कपड़े धुलने जा रही हूँ। और इसका गर्म चादर देखो, कितने बाल ही बाल हो रहे हैं इसमें। लड्डू की दादी नहाने गई हैं और बुआ ऊपर पूजा कर रही हैं। 8 बज चुका है गाइस। दीदी क्या बना रही हो खाने में? खाने में बन रहे हैं जीरा आलू, बन रहे हैं चावल, बन रहे हैं मूली आलू की सब्जी बन रही है। अच्छा अच्छा। और हल्दी का रायता बनेगा। हल्दी का रायता, हल्दी को कस के इसको इसका रायता बनाया जाएगा। गाइस आपने हल्दी का रायता वैसे तो खाया ही होगा, जो पाउडर जैसा डाल देते हैं ऊपर से। दीदी शायद हल्दी की गांठ का रायता बना। गाइस ये देखिए, जो गांठ थी दीदी ने इस तरह ही कस दिया है इसको। ये देखिए उसमें तेल में फ्राई, ये कद्दूकस में थोड़ा कस दिया है ये बारीक बारीक। आप इसको तेल में फ्राई करेंगी। गाइस आज देखिए हल्दी का रायता बन रहा है। इसे हमने देसी घी में इसको हम फ्राई कर रहे हैं हल्दी को। गाइस देखिए नमक और मिर्च दीदी ने डाल दिया है। बहुत सुंदर दिख रहा है हल्दी का रायता, अभी बना नहीं है हल्दी। बनने के बाद ही दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दही फेंटा जा रहा है, थोड़ा सा ही बनाओ। गाइस हल्दी की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है और राजस्थान के लोग बहुत खाते हैं हल्दी की सब्जी। गाइस कितना सुंदर दिख रहा है हल्दी का रायता, ये बनके रेडी हो चुका है। गाइस आप देखिए घी तोड़ दिए दीदी ने, और दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये जीरा डाल दिया है हमने और लाल मिर्च डाल रहे हैं। कितना मिर्च डालोगे, क्या पका पक लाओगे? मस्त हो गया भैया। ये हल्दी का रायता बनकर रेडी हो चुकी है। गाइस कितना सुंदर रायता बना है। अगर आप चाहते हैं ऐसा रायता खाने, प्लीज़ कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए और आप भी ऐसा रायता बना सकते हो, बहुत टेस्टी है। लड्डू की बुआ आज क्या ला रही हो, क्या बनाया है आपने? बनाया हल्दी का रायता, कुछ स्पेशली डिश लग रही है। थोड़ा सा हटके बनाया, हल्दी की सब्जी तो सभी खाते हैं, चटनी भी खाते हैं। मैंने कहा क्यों ना इसे नया ट्राई करूं, इसलिए मैंने हल्दी का रायता बनाया है। हाँ राजस्थान में तो बहुत खाते हैं इसको। की फेमस सब्जी है, काफी अच्छी लगती है और हेल्दी है। हल्दी को छील के बनाया गया है, हल्दी की गांठ होती है उसको छील के बनाया गया है। और घी में वगैरह भून सकते, घी में भून सकते हो या तेल में भी भून सकते, जिसकी जैसी इच्छा वैसी खा सकते हैं आप इसे। दिखाइए आप अपना रायता एक बार। देखिए दिखने में तो बहुत सुंदर है, आप खाने में देखते हैं कैसा लगता है। आपने तड़का भी लगाया, हींग की खुशबू आ रही है। हाँ हींग जीरे का तड़का लगाया है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगता है, आपको भी पसंद आएगा। देखिए सब्जी वाला आ चुका है, बाहर खड़ा है टुक टुक, और हम लेने जा रहे हैं सब्जी। हेलो सब्जी, 10 का फूल एक, जल्दी लो, 10 रुपए का एक फूल है, आप लो। छाट लो, इसको छाटना ही क्या है।
ये वाला ले लो, ये लो, और बड़े बड़े देख लो ना। देखो देखो, अरे वहाँ बनाना नहीं, यहीं पर बनाओ प्लीज। भाई आज लड्डू की दादी और बुआ ले रही हैं फूल गोभी सुखाने के लिए। ये देखिए सब्जी आई है, ये आज फिर ड्राई कर रहेंगी इसको धूप में। पाँच ही ले रहा, एक और ले लेते। चलो आज लड्डू की दादी और बुआ ने लिया है भाई फूल गोभी सुखाने के लिए। और देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं, अचार पड़ेगा, अब अचार पड़ेगा गोभी का। ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी आई है सब्जी की, हरी मटर है और ग्रेप्स हैं, संतरे हैं, भिंडी है और शिमला मिर्च है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, सारी वैरायटीज लेके आते हैं भैया। बहुत अच्छी सब्जी लेके आते हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जी। और क्या भिंडी है और क्या भैया? हाँ तो बहुत सारी गोभी ली हैं, देखना 6 ली हैं गाइस। ये हमें 10 रुपीज़ के हिसाब से मिला है। ये देखिए कितने सारे लड्डू की दादी, आज फिर ले लिए आपने इतने सारी गोभी? हाँ। फिर से आप सुखाओगे धूप में? अच्छा अच्छा, आज भाई लड्डू की दादी ने इतने सारे फिर ले लिए। ये देखिए गाइस कितनी सारी, कितनी सारी, ये देखिए आप कितनी सारी दाल है। इसको भी हम सुखा के रख रहे हैं अच्छे से। और बहुत सारे देखिए, ये देखिए बुआ आ रही हैं सब्जी लेकर आ रही हैं। अभी इसके डंडल तोड़ रही हैं, अब फिर इसको धूप में सुखाएंगे। इतने सारे लड्डू की दादी ने तो भाई बाजार लगा रखी है पूरी, अब इसको काटेंगी लड्डू की दादी और फिर धूप में जाके सुखाएंगी 3 से 4 दिन और स्टोर करके रखेंगी। खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये गाय के लिए इतने सारा वो निकल गया लड्डू की दादी, देखिए अब इसको काट के सुखाने जाएंगी। अभी कटिंग कर रही हैं। अब लड्डू की दादी का वजन बहुत कम है इसलिए लड्डू की दादी एक केला खाती हैं डेली, सुबह शाम खाती हैं। इनका वजन बढ़ाने के लिए हम इन्हें केले खिलाते हैं और लड्डू की दादी अब खाएंगी केला। गाइस लड्डू की दादी का बहुत ही वेट बहुत कम है, 43 है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए लड्डू की दादी से हम बोलते हैं भैया केला खाओ और वजन बढ़ाओ। गाइस लड्डू की दादी केला नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी मतलब, लेकिन हम बोलते हैं भाई केले से बहुत जल्दी वेट वो गेन होता है, इसलिए लड्डू की दादी को हम केला खिलाते हैं। अब देखिए अब लड्डू की दादी ने ये गोभी काटना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इस डंठलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, डंठल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और आप हल्का से पीठा डाल के बना सकते हैं, पीठा वाला तो चावल का आटा हल्का सा डाल के ग्रेवी वाली। मुझे डंठल की सब्जी बहुत पसंद है गाइस, इतनी ज़्यादा पसंद है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हमने आधी गोभियों को सुखा भी लिया और इसकी हम सब्जी भी बना लेंगे डंठलों की। गाइस किसको पसंद है ये डंठल की सब्जी? मुझे तो बहुत पसंद है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी वाली पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। गाइस देखिए इतने सारे फूल ले लिए मम्मी ने और ओनली 10 रुपीज़ का फूल है, इतना बड़ा फूल है। देखिए गोभी का बहुत बड़ा है, 6 फूल ले लिए थे ये गोभी के। और गाइस लड्डू आने वाला है, आई मिस यू लड्डू, बहुत जल्द आने वाले हो आप, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे दादी बुआ और मैं आप मिलके। आप आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है लड्डू, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मिमी से कहना छुट्टी लेके आ जाओ जल्दी से। देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल है गोभी का, बहुत बड़ा फूल है। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं गाइस, अब मैं डालने जा रही हूँ। जोजो बहुत नाराज़ हो रहा है, अगर हमने जोजो को खोल दिया ये सारा नाश कर देगा। अब मैं उसको घुमा के लाऊंगी फिर उसको आज़ाद कर दूंगी। और
सुखा ली, अब बड़ी तोड़ेंगे। गाइस सब लड्डू की दादी उड़द की बड़ी तोड़ने वाली हैं। ये हमारी विद फैमिली को पसंद है उड़द की बड़ियाँ, और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं वो भी। अब हम कुछ दिन में बड़ियाँ तोड़ने वाले हैं उड़द की। गाइस देखिए ये सारी गोभी कट चुकी हैं, अब हम जाएंगे इसको धूप में डालने। ये सारी गोभी लड्डू की दादी ने काट दी हैं, अब हम जा रहे हैं इसको धूप में सुखाने। और चलो वही लड्डू की दादी चलते हैं छत के ऊपर, इसको धूप में सुखाएंगे। और गोभी हमने सारी काट दी है। चलो जय माता की, चलो चलो उठा लेंगे आप। हाँ, ये देखो लड्डू की दादी ने सर पे रख ली टोकरी, अब जा रही है इसे लेके छत पे सुखाने के लिए। गाइस देखिए अब जा रही है लड्डू की दादी छत पे लेके। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा राशन का स्टॉक रखा है मोमटी में, ये सब हमने स्टॉक कर रखा है। ये हमारे धान है, ये चावल का बोरा, ये हमारे चावल के कट्टे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये हमने सारा स्टॉक करके रख लिया धान। ये देखिए गाइस कितनी सारी हल्दी हमने सुखा रखी है, और यहाँ पे पहले से ही गोभी हमने डाल रखी थी, ये सूख के इस तरह हो जाती है। और ये कल हल्दी डाली है लड्डू की दादी ने। इधर डालने बता। देखिए गाइस हमने इसको छत पे कपड़ा डाल दिया है। और लड्डू की दादी ये सिर पे आप क्या रखी हुई हो ऐसे, ये आपने कौन सा टर्बन लगा रखा है? टोकरी लार की है, तो वो टोकरा से नहीं गड़ गया था, इसलिए गड़ गया था, इसलिए मैंने कपड़े का अपना साल का उड़ाल बना के रखा। अच्छा अच्छा, ये मेरी सूती हल्दी है। क्या कह रहे हो? ये मेरी सूखी हल्दी है, देखो सूख रही है 5 किलो तक। और ये देखो मेरे गोभी 2 किलो गोभी सूख रही है। गाइस यहाँ देखिए लड्डू की दादी ने ये हल्दी बहुत सारी स्टोर करके रखी है, और अभी हमें हल्दी खोद के लानी भी है। गाइस अभी हमारी हल्दी खोदी नहीं है, ये पिछले साल की हल्दी रखी हुई है, और अभी हल्दी हम खोद के भी लेके आनी है खेत से। और आप देखिए गाइस ये देखिए टोकरे में इतनी सारी गोभी रखी है, अब हम इसमें छत में सुखाएंगे। लड्डू की दादी ये देखिए गोभी डालने के लिए ईंट रख रही हैं, जिससे ये कपड़ा उड़े ना, हवा चल रही है। और गोभी देखो सूख रही है। ये देखिए गाइस गोभी सूखने के लिए डाली है दादी ने, डाल दे जल्दी सूखती है गोभी। ये इतनी सारी गोभी छत पर डाल दी है। गाइस बहुत तेज धूप हो रही है, आप देखिए ये जल्दी ही सूख जाएंगे। गाइस देखिए धूप बहुत तेज है और बहुत जल्दी गोभी सूख जाएगी, और सूखने के बाद इसको हम डिब्बे में रख लेंगे। ये मम्मी ने पहले ही काट के रख दी थी, तो हल्की सूख चुकी है ये गोभी। सन्नू का घर है ये, लड्डू की दीदी का घर। देखिए वो कुर्सी में बैठी है ऊपर, इसमें अभी काम अभी बना है अन्नू का घर, इसमें काम रह गया है करना अभी।
गाइस आपको मैं दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जाते हैं। पीछे वो हमारा बाग है, देखिए वो देखिए पीछे, वहाँ से हम धनिया तोड़ के लाते हैं, लहसुन तोड़ के लाते हैं। वो हमारे आम के दो पेड़ हैं, हमारा आम का बगीचा नदी के पार है उस तरफ। आप देखिए गाइस ये पीछे का नज़ारा है कि सारी ब्रोकली लगाई हैं दादी लोगों ने, बहुत सारी। और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे गाइस, सब हम लोग जा रहे हैं नीचे, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी लग गई भाई। हम लोग तो जा रहे हैं नीचे अब, मंकी भी आ जाता है गाइस ऊपर, देखना पड़ेगा। अब दादी जा रही हैं गाय को रोटी खिलाने, फिर हम जोजो को भी देते हैं अब। चलो चलो भाई, और यहाँ पर सफाई करनी बाकी है अभी। वो बंदा है गाय जा, आराम से जाना। लड्डू की दादी गई है गाय को खाना खिलाने, रोटी देने। लड्डू की दादी आ गई हैं गाय को रोटी खिला के। हम जा रहे हैं खाना खाने, टाइम बहुत हो चुका है, अब हम जोजो को भी रोटी देते हैं और हम भी खाना खाते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने और हम खाएंगे घाट में जैसे पंजाबी ढाबों में खाते हैं एकदम मस्त तरीके से, वैसे ही हम लोगों ने खाट बिछा ली है। अब हम खाने जा रहे हैं खाना, खाने में क्या क्या बनाया अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं जोजो को देती हूँ खाना अपने। गाइस देखिए ये मैंने जोजो के लिए रोटी तोड़ ली है और मैं इसमें अब दूध डालूँगी। गाइस ये दूध डालूँगी, अब मेरा जोजो खाएगा एकदम मस्त तरीके से। ये देखिए मैंने इसके लिए दूध डाल दिया है। ये गाइस दूध रोटी दूँगी अब अपने जोजो को, जोजो को देने जा रही हूँ दूध रोटी। अब मेरे जोजो को बहुत भूख लग रही है, वो खाना खाएगा। दे रही हूँ रोटी, उसका डिब्बा कहाँ है अभी देखते हैं। ये जोजो उठ गया है, अब इसको देने जा रही हूँ रोटी, इसका खाना। जोजो खा रहा है अपना खाना भाई, जोजो को दे चुकी हूँ खाना, अब इसको घुमाने ले जाऊँगी मैं गाइस। अभी खा रहा है वो अपनी दूध रोटी। खाना अपन के रेडी हो चुका है, ये आलू की मूली की सब्जी बनाई है दीदी ने, का रायता, जीरा आलू। गाइस हम पानी लेके जा रहे हैं, दीदी खाना ला रही है। देखिए गाइस खाना आ गया है, खाना बनके रेडी हो चुका है। लड्डू की बुआ ने इसमें थाली लगा दी है, आप देख सकते हैं जीरा आलू और मूली आलू की सब्जी, छिलके वाले आलू डाले गाइस, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चपाती और हल्दी का रायता। अब दीदी का भी खाना आ चुका है, मेरा भी आ चुका है और मम्मा का भी आने वाला है। हम पंजाबी स्टाइल में खाने वाले हैं, किसी ढाबे से कम नहीं लग रहा है। बस हमारे पास एक वो बीच में जो पटला बिछाते हैं वो नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है ढाबे जैसी फीलिंग आ रही है। और हम लोग जा बैठ के खाएंगे खाट पे। अब लड्डू की बुआ भी आ चुकी हैं, अब हम मिलके खाना खाने जा रहे हैं गाइस, मिलते हैं।
गाइस आप लड्डू को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, और आपके आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से आज लड्डू इतने आगे बढ़ गया है। और मैं आई होप आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे लड्डू को, और उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं नए वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई।